हेलो फ्यूचर मिलनरीज, उम्मीद आप सब एकदम फिट होंगे। तो आई पैसो ग्रोवर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय वेरी न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इनकम के बारे में। इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। वैसे बहुत लोगों को पहले से ही इनके बीच में डिफरेंस पता है कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, मगर मैंने बोला था ना कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम, आप एक्टिव इनकम सब क्या समझते हैं? एक्टिव इनकम हमारी लाइफ को वो इनकम होता है कि हमने जितना काम करा उतना हमें उससे प्रॉफिट मिला, मार्जिन मिला। मैंने दिन में अपने 8 घंटे की ड्यूटी करी तो मेरी जो भी उससे सैलरी आती है, जो भी आएगी, वो किसके अंदर आएगी? मेरी एक्टिव इनकम के अंदर आएगी। और एक्टिव इनकम में क्या होता है? एक्टिव इनकम में ये होता है, अगर मैं काम करूँगा मुझे तो ही पैसे मिलेंगे, अगर मैं लीव पे रहूँगा, ऑफ पे रहूँगा, तो मुझे उसका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट से पैसिव इनकम के बारे में, पैसिव इनकम एक खुद से जनरेट होने वाली इनकम है, यानी कि वो इनकम कि मैं काम करूं या ना करूं, मगर मुझे इनकम ज़रूर मिलेगी उस चीज़ की, वो मेरे काम करने से डिपेंड नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का अगर मैं एक आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आपका घर है, उसमें आपने किन्हीं को भी अपना एक रूम रेंट के ऊपर दे रखा है। अब आप अपने काम पे जाओ या ना जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हर मंथ तो आपको उसका रेंट मिलता ही रहेगा। सो अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। सबसे पहली बात है कि पैसिव इनकम का सबसे जो मेन काम ये है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हमारी तो भी एक इनकम जनरेट हो रही है। और हमें अपनी पैसिव इनकम कितनी रखनी चाहिए? मिनिमम से मिनिमम आप स्टार्टिंग में या आप एंड तक भी लेके जाओ, आप स्टार्टिंग में अपनी पैसिव इनकम की स्टार्ट कर सकते हैं 5,000 रुपये, 6,000 रुपये एक महीने से, और ये अप टू मैक्सिमम कितनी भी हो उतना अच्छा है। अगर हमारे पास जो है एक पैसिव इनकम जनरेट होती है अराउंड 20,000 to 25,000 रुपीज़, जो कि हमको एक मंथ में मिल जाए, वो इनकम जो होगी वो हमारी बेस्ट होगी। वो बेस्ट होगी क्यों? क्योंकि एक जो हमारा एवरेज घर होता है, एक घर में खर्चा कितना आता है? 20,000 से 25,000 रुपये आता है महीने का। अगर सोचो वो जो खर्चा है वो आपका पैसिव इनकम से निकल जाए, तो आपने जितना अपना एक्टिव इनकम से अपना काम करके आपने जितने भी इनकम अर्न करी है वो तो आपके लिए बच गई। तो इस वजह से हमें पैसिव इनकम की एक अच्छी खासी नीड होती है। तो अब हम कुछ ये देखते हैं कि क्या कुछ तरीके हैं कि हम पैसिव इनकम किन किन तरीक़ों से अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं तरीकों की बात करूंगा, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा किस तरीके में क्या करना है, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो पैसिव इनकम के अंदर सबसे जो ऊपर आता है वो तो आता है रियल इस्टेट का बिज़नेस आता है। रियल इस्टेट मतलब आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी आज खरीद ली, जो कि 10 लाख की आपने खरीदी, आपको पता है कि ये जगह आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा एरिया बनेगा, एक अच्छा खासा से कंस्ट्रक्शन निकलेगा, तो ये मेरा 10 लाख आराम से मुझे 3 साल 4 साल में मेरा पैसा डबल कर देगा। तो ये तो होता है रियल इस्टेट फंडिंग में। अगर रियल इस्टेट का एक और नया वेरिएंट आता है वो होता है रियल इस्टेट बिज़नेस क्राउड फंडेड। इसके बारे में हम अभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, जिसके ऊपर बात करेंगे रियल इस्टेट बिज़नेस क्राउड फंडेड के बारे में। सेकंड अच्छा तरीका होता है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक इस टाइप का प्रोग्राम है, आप उसमें अपने थ्रू दूसरे कस्टमर्स को एफिलिएट करते हो। एफिलिएट यानी कि एक तरह से मान लो आप रेफ़र करते हो, और उसको रेफ़र करने से आपको उसका कुछ परसेंट जो होता है वो आपको मिलता है। तो ये तो एक तरह से परसेंटेज वाला बिज़नेस होता है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा, उसके बाद आप अपना कोई एक पर्टिकुलर कोर्स बना के आप सेल कर सकते हो। एक और बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखा जाए तो वो क्या होता है, स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। आप स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करो, उसमें आपको दो फायदे होते हैं। पहला क्या, एक तो आपका अगर आपने अच्छी खासी कंपनी पकड़ रखी है तो वो सीधे सीधे आपका पैसे को रॉकेट बना देगा। दूसरी बात क्या आता है, आपको अच्छी कंपनी जो होती है, जैसे कि अपना IOCL है, VEDL है, VEDL की वेदांता है, ऐसी बहुत सारी कंपनी, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि आपको क्या देती हैं, उसके साथ साथ डिविडेंड भी देती हैं, तो ये आपका डबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। उसके बाद आप अपने खुद के ब्लॉग्स बना सकते हो, अपना कैरियर एज अ फ्रीलांसर चूज़ कर सकते हो। अगर आपका सोशल जो इंस्टाग्राम है, ये सब फेसबुक है, ये आपको बहुत बड़ा एक अच्छा खासा पेज है, तो आप उनके ऊपर पोस्ट को स्पॉन्सर कर सकते हो। आप अपने खुद का कोई ऐप बना सकते हो, आपके पास कोई गाड़ी है, व्हीकल है, आप उसको ऊपर क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, P2P लैंडिंग कर सकते हो, और बहुत सारी हैं हमारे पास, बहुत बहुत सारे वेज हैं हम जिनसे कि एक अच्छी खासी पैसिव इनकम को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब
हम अगली वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, अब हम अगली वीडियो में इनमें से ही किसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, तो वो आप मेरे को बताओ कि आपको अगली वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बड़े डिटेल के अंदर जानना है, वरना मैं इतने खुद एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। तो मिलते हैं एक अगली और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी बी वेल्दी।